क्लास हम शुरू करते हैं। होपफुली सब दोस्तों को समझ में आएगी आज की क्लास का मकसद क्या है, उस चीज़ को भी समझते हैं, हमने करना कैसे उस चीज़ को पूरा, उस चीज़ को भी समझते हैं हम। इसके साथ साथ हम एक एडिशनल स्किल को भी टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। आप सब बताइए जब आपको मेरी स्किन दिखाई दे। आ रही है नजर। चलें, परफेक्ट परफेक्ट। तो गाइस, दिस इज़ द वेबसाइट वी आर गोइंग टू बी वर्किंग विद, द प्लेटफॉर्म वी आर गोइंग टू बी वर्किंग विद, द नेम ऑफ शॉपिफाई। तो शॉपिफाई ब्लॉग क्या है, इस चीज़ को हम किस तरह समझ सकते हैं, इसको पहले हम सीधे इस चीज़ समझते हैं। शॉपिफाई बेसिकली एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्या होता है, जिसमें B2B या B2C सेल्स हो रही होती हैं। इन सब चीज़ों को हम आगे समझने की कोशिश करते हैं विद द जैम बोर्ड। लेट मी सेट अप अ जैम बोर्ड एंड विल स्टार्ट ऑन इट। क्या मेरा जैम बोर्ड आप लोग देख सकते हैं? जी परफेक्ट। अच्छा, तो इसको हम ज़रा समझने की कोशिश करते हैं, शॉपिफाई क्या चीज़ है और उसको हम कैसे डील करते हैं। अच्छा, पहले शॉपिफाई, फिर आ गया ई कॉमर्स, फिर आ गया B2B, B2C। अच्छा, फिर बाद में आ गया अदर्स। अच्छा, शॉपिफाई क्या है? शॉपिफाई एक ई कॉमर्स ब्रांड है या एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो कि B2B या B2C सेल्स में हमारी हेल्प करता है। इस जुमले को मैं रिपीट करता हूँ, शॉपिफाई एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? सर जिस पे ऑनलाइन सेल्स वगैरह मतलब चीजें बेचते हैं, मतलब राइट, ऑनलाइन शॉप जो होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया। अच्छा, फिर आ जाते हैं B2B। B2B क्या होता है, बता सकते हैं? सर बिजनेस टू बिजनेस। वेरी गुड वेरी गुड। और कोई और बंदा बताएगा B2C क्या होता है? मिस अनुष, आप बताना चाहेंगी B2C क्या होता है? सर बिजनेस टू कस्टमर। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। चलें अब इसको तो एक्सप्लेन करें कि B2B B2C में फ़र्क क्या हुआ, फिर बिजनेस टू बिजनेस से क्या मुराद है, बिजनेस टू कस्टमर से क्या मुराद है। B2B में ये फर्क है कि जैसे अगर बिजनेस के लिए, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट किसी चीज से उठाते हैं तो वो बिजनेस करने के लिए उठाते हैं। मतलब अगर आगे ही हमने, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कोई स्कार्फ या कोई शर्ट वगैरह मैंने लेनी हो, जैसे मैंने टी शर्ट का बताया था, तो जी जी अगर मैंने लेना तो वो मैं होलसेल पे बाय करूंगी, मतलब अ बंडल। चलो, मैं इसको ज़रा बेहतर एक्सप्लेन करने का ख्याल करता हूँ। तो अगर मैं एक शर्ट्स वाली कंपनी हूँ, ठीक है, और मैं किसी से जाके वेब से बनवाता हूँ, तो एज अ बिजनेस मैं किसी बिजनेस के पास गया हूँ और उससे मैंने काम लिया है, तो ये B2B कहलाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपके? हाँ सर, रिपीट कीजिए। जी जी मैं रिपीट करता हूँ, मैं दोनों बातें रिपीट करता हूँ, आप कहानी को समझने की कोशिश कीजिएगा। B2C और B2B में फ़र्क क्या है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं शर्ट्स बेच रहा हूँ और मेरी शर्ट्स जो हैं वो कोई नॉर्मल कस्टमर जाके लेता है दुकान से, तो B2C सेल हुई है ये, कि मेरे से कोई कस्टमर ले गया। बट अगर मैं किसी एज अ बिजनेस जाता हूँ कि यार मेरे लिए वेबसाइट बना दो, मेरे लिए डिजिटल मार्केटिंग कर दो, मेरा टैक्स फाइल कर दो मेरे बिजनेस का, तो ये मैं किसी और बिजनेस से अपने बिजनेस के लिए सर्विसेज ले रहा हूँ। अब ये दोनों में फर्क समझ में आया आपको? जी मिस अनुष, आपको भी समझ में आई बात? यस सर। परफेक्ट परफेक्ट। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अनदर पार्ट, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, तो ये सिर्फ सिर्फ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म था, बट बाद में इसने अदर चीज़ों में भी अपना क्या कहते हैं हाथ बटाना शुरू कर दिया। अब इसके अंदर
एक अफिलेट मार्केटिंग वेबसाइट, ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स और ब्लॉगिंग वेबसाइट्स, हर किस्म की वेबसाइट्स आप, फिर उसके बाद उस महीने के काम से बीच में इंक्लूड करते हैं, मैं उनको भी ले आता हूँ इसमें अफिलेट। सर ड्रॉप शिपिंग क्या होती है? जी दैट्स वाई गुड कस्टमर आपको भी बताता हूँ। फिर मैं वेबसाइट ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट और ब्लॉग अच्छा चलो पहले तो ये बताओ कि मिस अनुषा बताएं एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट्स कौन सी होती हैं। जी सर रिपीट कर दें। एफिलिएट एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट्स कौन सी होती हैं? मार्केटिंग वेबसाइट्स ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो किसी की प्रोडक्ट्स प्रमोट करने के लिए बनाई जाती हैं। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा हो इनके अंदर हम अपना कोई प्रोडक्ट लगाते हैं कि या नो ये मेरा प्रोडक्ट? वेरी गुड आंसर वेरी गुड आंसर। ओके हो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स कौन सी होती हैं मिस आप बताइए मिस जेमन। मिस जेमन आप हमारे साथ हैं? खटक साहब आप बताएं। सर वो वेबसाइट जिस पे हम ब्लॉग्स लिखते हैं, किसी चीज़ के वगैरह आर्टिकल्स वगैरह वो पब्लिश करते जी हैं। परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा चलें अब सर आप एक बार फिर से मुझे बताएं कि एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट्स कौन सी होती हैं। सर जिस पे हम किसी जिस तरह मतलब एक ब्लॉगिंग वेबसाइट जिस पे हम किसी चीज़ का प्रोडक्ट या अमेज़ॉन का प्रोडक्ट वगैरह अपने थ्रू एफिलिएट करते हैं, उसको सेल करते हैं। गुड गुड। अच्छा अब इसमें और ड्रॉप शिपिंग में फ़र्क जो है बहुत सिमिलर है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक के अंदर हम अपने उस प्रोडक्ट की सिर्फ प्रमोशन कर रहे हैं, प्रोडक्ट को सेल नहीं कर रहे हैं, हम बस कह रहे हैं कि यार ये प्रोडक्ट वहाँ से जाके ले लो, बेस्ट चीज़ है, मज़ा आ जाएगा वगैरह वगैरह तरीफे कर रहे हैं उसकी कि आप जाके वहाँ से ले लो। वो हो गया एफिलिएट मार्केटिंग। ड्रॉप शिपिंग होता है हम अपनी वेबसाइट के अंदर अपनी दुकान के अंदर उसके प्रोडक्ट रख लेते हैं, हम कहते हैं यार ये देखो ये प्रोडक्ट हमसे ले लो आके। जब कोई बंदा हमारे पास आता है तो हम उसका ऑर्डर लेते हैं और हम कहते हैं सर आप घर पहुँचे, आपके घर तक वो सामान हम खुद पहुँचा देंगे। और फिर हम कंपनी उनकी कंपनी में कॉल करते हैं कि हाँ नाइक वालों तुम्हें मैंने ऑर्डर भेजा है, इस जगह पे ये जूता भेज देना, पैसे हम मैंने ले लिए, पैसे मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। तो इसमें सीनियर हो रहा है कि इंस्टेड कि मैं उन्हें अपनी दुकान से अपना प्रोडक्ट बेचूँ या मैं किसी और के पास भेजूँगी आप प्रोडक्ट बेच दो उसे, मैं खुद से उसका सारा सेल का प्रोसेस कंप्लीट करवा दूँ, उसे कह दूँ मैं आपको प्रोडक्ट भेज दूँगा, पैसे ले रहा हूँ, पैसे लेने के बाद मैं पैसे भेज रहा हूँ जो उसके मैंने 15 रुपये लिए हैं, 15 में से 12 रुपये मैंने दे दिए जूते वाली कंपनी को, या ये 12 रुपये पकड़ो और ये जूता जो है ना उस बंदे के घर पहुँचा दो, और उस कंपनी ने फिर जूता उस तक पहुँचा दिया। तो इस प्रोसेस में ये हमने जो शिपिंग का प्रोसेस है ना वो हमने चेंज कर दिया हमने इसे, इसलिए इसको ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। क्या ये बात समझ आपको समझ में आई? सर प्लीज रिपीट करेंगे, मुझे समझ नहीं है। कोई कोई मसला नहीं, मैं रिपीट करता हूँ, मैं रिपीट करता हूँ, मुझे 1 मिनट दें आप। मिस जमन मिस अनुष आप लोग भी हमारे साथ ही हैं? जी चले यस सर। चले हमने पहले एफिलिएट मार्केटिंग ब्लॉगिंग की तारीफ की थी, अब हम ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं एक स्केच भी बनाता हूँ। लेट्स से फैक्ट्री एक हम बना लेते हैं, मोशन शॉप एक हम बना लेते हैं, कस्टमर्स होम। अब देखें मेरी दुकान है भट्टा चौक में, ठीक है, और मैं अब मुख्तलिफ चीज़ें बेचता हूँ जिनमें मेरे पास नाइक के जूते भी हैं, एडिडास के जूते भी हैं,
उनके कपड़े भी हैं, उसके अलावा मेरे पास सोलेक्स की घड़ियाँ भी हैं, राडोई घड़ी भी है, और मेरे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, मेरे पास एक कस्टमर आता है, वो कस्टमर आके कहता है कि सर मैंने ये वाला जूता लेना है, मुझे इसके ये मुझे दे दे। मैं कहता हूँ ठीक है सर, आपके 25 रुपये लगेंगे, बट इंस्टेड कि मैं उसे जूता अपनी तरफ से पैक करके दूँ, मैं उसे कहता हूँ सर आपका जूता है ना वो आपके घर हम पहुँचा देंगे। वो कहता है ठीक है सर आप मेरे घर पहुँचा दो। फिर क्या होगा, मैंने जैसे 25 रुपये लिए हैं, वो 25 रुपये के बदले में मैं उससे ले के 20 रुपये भेजूँगा जो उसकी असल कंपनी है उसके, वो 20 रुपये लेगी कंपनी। ओके कि सर ये ऑर्डर मैं आपके पास पहुँचाऊँ, मैं को नहीं मुझे ना दो, ये आपने इस एड्रेस पर पहुँचाना है, और इस तरीके से साइकिल पूरा हो जाएगा हमारा। अब इसको मैं एक और डिटेल के अंदर आपको समझाता हूँ, एक मिनट दीजिए मुझे। सर ये फोटो दिखाई दे रही है हम दोस्तों को। जी अच्छा, इसके अंदर होता ये है कि हम अपने खुद के प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहे होते हैं, हम इसमें दूसरे लोगों के प्रोडक्ट्स हमने अपनी वेबसाइट पे लगाए होते हैं, जैसे कि चाइना में अलीबाबा के प्रोडक्ट्स हमने लगाए हुए हैं, या हमने किसी और थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट्स लगाए हैं अपनी वेबसाइट में। हमने कह रहे हैं भैया ये प्रोडक्ट्स हम आ रहे हैं, हम बेच रहे हैं। ठीक है, होता ये जब कस्टमर हमारे स्टोर पर आता है, हमारी दुकान पर, हमारी वेबसाइट पर आता है, तो वो चीज़ आके ऑर्डर करता है, ऑर्डर करके वो लेट से हमें $25 का उसमें प्रॉफिट मिलता है, बाकी ये पैसे हम दे देंगे सप्लायर को कि भैया ये प्रोडक्ट आपने बेचना है इस सारे बंदे को इस एड्रेस पे, तो सप्लायर पे वो प्रोडक्ट पकड़ेगा, वो उस बंदे को भेज देगा। इसमें हमारा फ़ायदा ये है, हमें कमीशन मिल रहा है अच्छा खासा, सप्लायर का फ़ायदा ये है उसका प्रोडक्ट बिक रहा है, और कस्टमर का फ़ायदा ये है उसे घर बैठे उसकी चीज़ मिली जो उसे चाहिए, जो कि वो डायरेक्ट नहीं मंगवा सकता है कोई और वजह। तो ये पूरा साइकिल होता है। क्या ये हम दोस्तों से में आई बात, जी सर। कोई क्वेश्चन यहाँ तक तो काइंडली पूछ लें। सर जी जी मिस, सर ये जो हम ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं ना, जी तो जी क्या ये इसमें आते हैं ड्रॉप शिपिंग में? जी बिल्कुल आता है, बट आप पाकिस्तान ड्रॉप शिपिंग इतनी कामयाब नहीं है, अमेरिका में बहुत ज़्यादा होती है। होता ये है कि जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, कई दफ़ा उनके पास वो प्रोडक्ट होते नहीं हैं, उन्होंने वैसे लगाए होते हैं, आप जब बाय करेंगे तब वो ऑर्डर मंगवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने दराज से ऑर्डर किया हो ना, दराज भी ये काम करता है। दराज में कुछ ऐसे सेलर्स हैं जो कि चाइना से चाइना के प्रोडक्ट लगाए हुए हैं, जब आप ऑर्डर करते हैं तो वो ऑर्डर जाता है चाइना में उनके सप्लायर के पास, सप्लायर ऑर्डर देखते हैं फिर वो चाइना से भेजता है उसको यहाँ पे, फिर आप तक मिलता है आपको प्रोडक्ट। आपने किसी ने से चाइना से मंगवाया, 30 दिन लगते हैं वहाँ जी पहुँचने सर, में। जी सर, मैंने एक कल एक चीज़ देख रहा था, वो कह रहे थे 5 से 13 मार्च के दरमियान मिलेगा, जी बिल्कुल और जो नॉर्मल प्रोडक्ट है वो कहते हैं 18 फरवरी तक, 12 से 18 फरवरी तक मिलेंगे बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तान में। बिल्कुल ये बात है सर। तो ये जो इतना सारा टाइम डिले होता है, इसकी वजह ये होती है ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स होते हैं और चाइना से आ रहे होते हैं, तो इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। यहाँ तक बात हम दोस्तों समय में आ रही है? सर यस सर। परफेक्ट। सब दोस्त काइंडली अपना फीडबैक लगातार देते रहा करें, कोई बात पूछा करें, जितना आप लोग बातचीत करेंगे उतना अच्छा होगा, मुझे समझ जाएगी आप लोग कहाँ पे हैं सर। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, तो हम शॉपिफाई की बात करें, शॉपिफाई क्या बनाए, पहले ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म था पहले ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म था सिर्फ, उसके बाद उसने फिर दूसरी फील्डों की वेबसाइट्स को एक्सेप्ट करने लग गया, जिसमें एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट, ब्लॉगिंग वेबसाइट्स, और अगम बगम बला जो भी वेबसाइट आपको चाहिए अब आप शॉपिफाई में बना सकते हो। यहाँ तक बात हम सब दोस्तों से में आ गई है। जी यस इसके अलावा शॉपिंग सर। शॉपिफाई एक और सर्विस देता है जिसका नाम है शॉपिफाई पेमेंट्स। उसके अंदर होता ही है कि अगर आपकी वेबसाइट पर अगर बंदा चीज़ खरीदता है तो पेमेंट वो प्रोसेस करते हैं, इंस्टेड कि वो वीज़ा या क्या कहते हैं आप किसी से पेमेंट गेटवे लो, आप इसी का पेमेंट गेटवे अपनी वेबसाइट पर लगा सकते हो तो आप अमेरिका हो और वहाँ से ट्रांजेक्शन्स को आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, जी चले, तो ये हो गया शॉपिफाई की हमने डेफिनेशन समझ लिया, अब बात है शॉपिफाई पे काम कैसे करना है, उस पर आती है। ये शॉपिफाई की वेबसाइट है, इस पर हमने सबने ट्रायल लेना है। ट्रायल लेने का एक आसान तरीका, ये इस बटन को दबाओ या इस वाले बटन को दबाओ, ये दोनों कॉल टू एक्शन है, बट जब हम ट्रायल के लिए क्लिक कर देंगे तो वो हमसे पूछेगा भाईजान अपनी डिटेल्स दो, कैसा स्टोर बनाना है, हम उन चीज़ों को गो थ्रू करते हैं। मैं पहले लिखूँ आई एम जस्ट स्टार्टिंग, नेक्स्ट, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की जरूरत नहीं है, स्किप पुल कर सकते हो।
बट मैं वैसे आपको बता दूं कि अगर आप इनमें से करोगे ना तो वो आपको उसके लिहाज से गाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैंने एक ऑनलाइन स्टोर बनाना, तो मुझे ऑनलाइन स्टोर के टेम्पलेट देगा वो। अगर मैं कहूँगा कि मैंने इन पर्सन काम करना, तो मुझे उसके लिहाज से अपनी एप्लीकेशन देगा। तो लेट्स गो विद ऑनलाइन स्टोर बाय प्रोडक्ट्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स, ड्रॉप शिपिंग, प्रोडक्ट सर्विसेज, प्रिंट ऑन डिमांड, ये सारी चीज़ें ये लोग कहते हैं, बट हम अपने लिहाज से ये चूज़ कर लेते हैं। आगे बिजनेस कहाँ पे लोग क्रिएट होगा? पाकिस्तान में। आगे चलो। अच्छा अब वो क्या है, साइन अप करो। अब यहाँ पे मैं अपनी जीमेल, गूगल, फेसबुक का यूज़ करता हूँ, बट मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है। तो हमने कहा था हम एक और चीज़ सीखेंगे, उसका नाम था कि टेम्पररी ईमेल को यूटिलाइज करना। अब टेम्पररी ईमेल की तरफ आते हैं हम। टेम्पररी ईमेल के लिए आप गूगल पे जाएं, वहाँ पे लिखें फेक ईमेल। सर टेम्पररी ईमेल का आइडिया है आप लोगों को? ओके नो तो व्हाट दिस इज, इसके तफी फेक ईमेल एड्रेस इज अ थ्रो अवे ईमेल। थ्रो अवे ईमेल का भी समझ लो कि ऐसा ईमेल एड्रेस है जो आपके पास टेम्पररी तौर पे आता है एक दो दिन के लिए, जिसको आप इस्तेमाल करके फेंक सकते हो, ज़ाया कर सकते हो। ठीक हो गया? अब इसको इस तरह समझ सकते हो, ये अपने आप ईमेल्स ख़त्म हो जाती हैं, यहाँ पे आपको डेटा रहता नहीं है। ठीक है, मैं ये वाली ईमेल यूज़ करता हूँ, फेक ईमेल, ये वाली ईमेल फेक। आप इन इसमें से कोई भी सर्विस यूटिलाइज कर सकते हो, वो आपके पर डिपेंड करता है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, लेट्स गो विद दिस वन। सर, हमें शॉपिफाई वाली स्क्रीन ही नजर आ रही है जिधर आप साइन इन कर रहे हैं। ओह सॉरी सॉरी, पहले मैं ये दिखाता हूँ, ये अब स्क्रीन दिखाई दे रही है सर आपको? जी सर। ओके, तो मैं बता रहा था कि फेक ईमेल गूगल पर सर्च करते हैं, आपके पास हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स आ जाएंगी। मैं इनमें से कोई भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। मैंने अभी ये ओपन किया, बट मैं आमतौर पर ईमेल फेक यूज़ करता हूँ। हाई ए टेम्पे ई मेल के काम करने का तरीका अलग है, मुझे उसका तरीका पसंद है, बट आप कोई भी यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, ये मैं बता रहा था। फिर आगे मैंने ये वाली ई मेल खोली थी, यहाँ पे ये एड्रेस है, इस एड्रेस को हम यूटिलाइज करते हुए अब जाएंगे और अपना एक फेक ई मेल एड्रेस के यूज करके एक शॉपिफाई का अकाउंट बनाएंगे। अभी हम ये फेक ई मेल इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इन द कमिंग डेज, ये 3 दिनों का ट्रायल है, हमने 3 दिनों के अंदर ये यूज़ करके इसको फेंक देना है। ठीक हो गया? यस सर। साइन अप यस ईमेल पे सर। क्लिक किया, ईमेल के अंदर मैंने जो ईमेल वहाँ से कॉपी किया उसको डाला, पासवर्ड की जगह मैंने कहा कि मुझे कोई अच्छा सा पासवर्ड दे दो तुम, उसने मुझे अच्छा सा पासवर्ड दे दिया। उसने कहा पासवर्ड स्क्रीन उधर दो, ही सर। अरे यार सॉरी सॉरी, आपको दिखाई दे रहा है? जी यस सर। जी सर। अभी मैं पीछे से हूँ ताकि आप लोग देखो, यहाँ तक आप लोग साथ थे मेरे? जी जी सर। ओके, तो साइन अप विद ईमेल पे क्लिक किया आपने। जब साइन अप विद ईमेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने एड्रेस डालना है उसका, जो आपने वहाँ से कॉपी किया था। पासवर्ड में आपने कोई अच्छा पासवर्ड डालना। लेट्स यूज़ गूगल फॉर दिस। गूगल से मैंने एक अच्छा सा पासवर्ड लिया, उसने कहा कि स्ट्रेंथ अच्छी है, गुड पासवर्ड। फिर ये बटन थोड़ी देर के बाद ग्रीन हो जाएगा और फिर आपने आगे चले जाना है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी बच्चे को? नो सर। सर इस ईमेल पे हम ओटीपी वगैरह तो वेरीफाई नहीं कर सकते ना। ये ओटीपी के लिए कह दें हम, ताकि हमें अपना ना यूटिलाइज करना पड़े। अच्छा ओके सर। मिस नबीहा, आप को आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है। जी, तो बेसिकली अभी हमने फेक ईमेल को एड्रेस किया था कि फेक ईमेल क्या चीज़ है, उसको हम क्यों यूटिलाइज करते हैं। अभी हम उसको यूटिलाइज करते हुए शॉपिफाई का अकाउंट बनाने लगे हैं। ठीक है, जी अच्छा तो ये हमने अपना पासवर्ड दिया, ये हमने अपनी फेक ईमेल दी, अब मैं एक शॉपिफाई का अकाउंट दबाऊंगा और देखते हैं क्या होता है। ओके भैया, बेस्ट कन्वर्टिंग चेकआउट इंटरनेट पे, ये हमारे पास है। हमारे पास आप अपनी पर्सनल चीज़ें भी बेच सकते हो, ऑनलाइन भी बेच सकते हो। इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। लाइफ इन साइड मैंने अपनी तरीफे कर रहा है, और मीन वाले बैक साइड पे मेरे लिए एक टाइम पर ही अकाउंट बना के दे रहा है मुझे। ये लो जी मुबारक हो, हमें एक शॉपिफाई का अकाउंट मिल गया।
जिस पे हम काम कर सकते हैं। ये ट्रायल ख़त्म होगा 12 फरवरी को, तो 12 फरवरी तक हमने वेबसाइट को पूरा करना है। अच्छा, अब जो आपका क्वेश्चन था कि इसका टेम्पर ईमेल का फ़ायदा क्या है, उसके दफ़ाते हैं। अब ये वही टेम्पर ईमेल है। अब ये देखिए, मेरे शॉपिफाई की तरफ से OTP पासवर्ड आ गया कि भैया अपना ईमेल कंफर्म करोगे, ये आपकी हो या कोई और बंदा है। ये दिखाई दे रहा है ना सब दोस्तों को, जी मैं इसको क्लिक करूँगा, ये ईमेल खुल जाएगी मेरी। ईमेल जब खुल जाएगी मैं यहाँ पे कंफर्म करूँगा। अगर फॉर एग्जांपल OTP भी आएगा तो इसी ईमेल पे आएगा, जो भी आएगा इसी पे आएगा, तो इसलिए हम इसको इस तरह खोल लेंगे। लो जी मुबारक को, ये मेरा ईमेल एड्रेस हो गया कंफर्म, वाईफाई हो गया। अब मैं 3 दिन आराम से इसके ऊपर चौकियाँ मार सकता हूँ। अच्छा, यहाँ तक किसी दोस्तों का क्वेश्चन है, कोई मसला तो काइंडली पूछ लें। नहीं सर, यहाँ तक क्लियर। मिस शाबान, नो मिस सर, अनोश, मिस नबी है, आप लोग भी बताएं। हाँ सर, जी हमने एक बात पूछनी है जी जी ना, ये जो आपने शॉपिफाई वाला वेबसाइट बनाया है ना, जिसमें आपने ईमेल और ये सब ऐड किए ना, जी मतलब ये एक पेज वेबसाइट है, मतलब ये एक आप अपनी चीजें सेल कर सकते हैं ना, आपका क्वेश्चन है भाई, ये क्या है ये? मतलब इस पेज में हम जो है अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह इसको सेल कर सकते अच्छा, हैं। मैं ये आपको पहले एक्सप्लेन कर रहा था कि पहले सिर्फ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से आप अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते थे, बट अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप इस पे जो चाहे कर सकते हो। आप इस पे एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, आप इस पे ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, आप इस पे ब्लॉगिंग कर सकते हो, आपके पास सब चीज़ों के ऑप्शन है। जी कोई और क्वेश्चन किसी दोस्त का? कोई और दोस्त क्वेश्चन है? नहीं, तो फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो अभी हमारा स्टोर कैसे दिखा है, हम उस चीज़ को देखते हैं। मुझे बताइए जब हम स्क्रीन देख सकें तो। क्या मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है? जी सर, अच्छा सर, ये भी हमारे स्टोर इस तरीके का दिख रहा है। ये यहाँ पे हमारा माई होम, होम, कैटलॉग, कॉन्टैक्ट, वेलकम टू आर स्टोर, सर्च, और ये पीछे फ़ोटो है, हमारा बैनर है, शोपॉल का बटन है, कुछ फेक प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, और ये ईमेल की सब्सक्राइब लिस्ट है। तो अभी हमारे स्टोर की ये शक्ल है। हम इसको आने वाले दिनों में इसकी शक्ल तब्दील करना हम सीखेंगे, किसे प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करते हैं, अपने प्रोडक्ट का नाम कैसे रखना है स्टोर का, इसके शिपिंग रेट कैसे चेस करनी है, और एक आधा फेक ऑर्डर भी करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को क्वेश्चन तो काइंडली पूछ लें। नो सर, क्लियर। चले हम एडिटिंग करना शुरू करते हैं। अगर हमने इसके होम पेज को एडिट करना है तो इसके लिए हम जाएंगे ऑनलाइन स्टोर के अंदर, इस जगह के ऊपर ये दिखाई दे रहा है। जी चले गुड, यस सर, बेहतरीन बेहतरीन। अभी हमारी थीम लगी है डॉन। इसकी नस्बत हम चाहें तो हम इनमें से कोई भी थीम चूज़ कर सकते हैं। मेरे पास एक पेड थीम पड़ी हुई है, मैं वो भी यूटिलाइज कर सकता हूँ, मगर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो। डॉन भी एक अच्छी थीम है और बाकी थीम्स भी अच्छी हैं, बट आपने इसे खुद एडिट करना होता है। ठीक है, चलिए इसको हम एडिट करना सीखते हैं कि एक थीम जो पहले से लगी है उसको एडिट कैसे करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, इस थीम को मैंने चेंज करना है, इसमें कोई एडिटिंग करनी है, तो मैं जाऊँगा इस वाले बटन पे, कस्टमाइज़ को दबाऊँगा। ठीक है, अब उस थीम का सारा जो स्ट्रक्चर है ना, वो लेफ्ट साइड पे मेरे पास खोल के आ जाएगा, और मैं यहाँ पे उसको सीधा सीधा चेंज कर सकूँगा। बस आगे तौर पर मैंने इसमें चेंजेस करने हैं, मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये वाला मेन्यू खुल के लेफ्ट साइड पे दिखाई दे रहा है हम दोस्तों को। जी मैंने हेडर में चेंजेस करने थे, मैंने हेडर को क्लिक किया तो हेडर से लेफ्ट साइड पे खुल गया। अब मैंने बैनर में चेंजेस करने, मैं बैनर को क्लिक करूँगा तो आप नोटिस करेंगे लेफ्ट साइड पे बैनर खुल गया है, ऐसे ही है। जी चले, अगर मैंने यस फॉर सर, एग्जांपल इस चीज़ में चेंज करने, सब्सक्राइब टू आई ईमेल, इस पर फुटर में, मैं फुटर पर क्लिक करूँगा, फुटर खुल जाएगा। फॉर जी सर, एग्जाम्पल, सब्सक्राइब टू आई ईमेल की जगह मैंने लिखना था रजिस्टर, तो इतना इजी है कि आप इसमें कोई भी चीज़ चेंज कर सकते हो। यहाँ तो सब दोस्त साथ हैं मेरे,
जी जी सर। यस बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा अब आप नोटिस करेंगे लेफ्ट साइड पे एड ब्लॉक एड सेक्शन एड ब्लॉक एड सेक्शन एड ब्लॉक एड सेक्शन दिखाई दे रहा है आपको ब्लू कलर के बटन पे। जी अच्छा अब ये क्या है, इसमें अगर मैंने कोई नई चीज़ ऐड करनी है, जो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक दफ़ा प्रोडक्ट्स आ रहे हैं बट मैं चाहता हूँ एक बड़ी सी तस्वीर आए जो कि प्रोडक्ट्स के बाद आए या उससे पहले आए जो कि बहुत खूबसूरत दिखाई देगा मुझे लगता है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ऐड सेक्शन पे क्लिक कर दूँगा ऐड ब्लॉक पे क्लिक कर दूँगा फिर मेरे पास ऑप्शन आ जाएंगे। अब मैंने ऐड सेक्शन पे क्लिक किया, अब मुझे सेक्शन के ऑप्शन आ गया, क्या डालना है, कलेक्शन डालना है नहीं, प्रोडक्ट डालना है नहीं, कलेक्शन लिस्ट नहीं, रिच टेक्स्ट, इमेज विद टेक्स्ट, इमेज बैनर, स्लाइड शो, तो जो भी मुझे चीज़ें डालनी है ना वो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाएंगे, भैया क्या डालना क्या चाहते हो इधर, वो फिर आप उधर चूज़ करोगे, आप वो चीज़ें ऐड कर दो। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक कोलाज आ जाए, मैं कोलाज पे क्लिक करूँगा तो इधर 1 सेकेंड में कोलाज लोड होके आ जाएगा। मैं कहता हूँ नहीं यार ये तो अच्छा है बट मैं इसके साथ एक और चीज़ भी लाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कोलाज के बाद ना एक मल्टी, हाँ एक मल्टी रो आ जाए मेरे प्रोडक्ट्स की, जिसमें मैं एक ही के प्रोडक्ट को समझा सकूँगा, मैं इसको क्लिक करूँगा और नीचे मल्टी रो आ गई है आपके प्रोडक्ट्स की। यहाँ तो सब कुछ समझ में आ रहा है, जी जी सर। यस सर परफेक्ट परफेक्ट, मुश्किल तो नहीं है ना, नो सर। बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा अब हमने देख लिया कि हम इसमें अपनी मर्ज़ी से चीज़ें कैसे डाल या निकाल सकते हैं, अब इसको हम चेंज करना सीखते हैं। अब मिसाल के तौर पे तस्वीर है, ये मुझे तस्वीर बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं कह रहा उसकी जगह कोई और फोटो लगाते हैं, मैंने इमेज पे क्लिक किया, लेफ्ट साइड पे मैंने देखा क्या ऑप्शन है मेरे पास, यहाँ पे मैं फ्री इमेजेस भी यूज़ कर सकता हूँ अपनी तरह से इमेज भी डाल सकता हूँ, तो पहले मैं अपनी तरह से एक इमेज डालता हूँ, सिलेक्ट इमेजेस में गया, अपलोड इमेज में गया, डाउनलोड्स में गया, अब ये मेरे पास ना जिफ बनी हुई थी, जिफ की समझे आप दोस्तों को क्या होती है, जी जी सर। बताएंगे क्या होती है? सर जो मूविंग टाइप इमेज होती है, जो शॉर्ट वीडियो क्लिप होता है, जो वेरी व्हाट्सएप गुड पे हम अक्सर। वेरी गुड वेरी गुड। और इसमें नॉर्मल वीडियो में फर्क क्या होता है? कोई बताएगा मुझे कि गिफ इमेज में और वीडियो में फर्क क्या होता है? चलिए मैं बताता हूँ, गिफ इमेज जो होती है इसमें साउंड नहीं होता, सिंपल बात यही है, क्योंकि एक इमेज है और वीडियो में साउंड होता है। मिसाल के तौर पर आप नोटिस करेंगे ये कॉफ़ी बीन्स हिल रहे हैं बट इनकी आवाज़ नहीं आ रही है हिलने की गिरने की, ठीक है, तो ये इमेज है, सिंपल सी कहानी यही है इसकी, नथिंग वेरी हार्ड। हमने देखा मजे कुरु में 36 घंटे किया। हाँ ठीक अच्छा चलिए आगे चलते हैं, अब ये लिखा है ब्राउज ठीक आर लेटेस्ट प्रोडक्ट्स, तो इसकी जगह हम लिख लेते हैं ब्राउज आर लेटेस्ट ब्लूज, मैंने प्रोडक्ट्स को चेंज करना है, मैं इसकी जगह लिख दूंगा ब्लूज। शॉप ऑल को हम ऐसे कर देते हैं, इसको हम कर लेते हैं सेव, जब हम इसको सेव करेंगे तो ये चीज़ सामने भी लाइव हो जानी चाहिए। ये हम 200 से में आए, हमने कैसे चेंज किया है? यस जी सर। शाबाश शाबाश, तो ये तो हमने सीख लिया कि बैनर कैसे चेंज करना है, तो इसमें आप अपनी मर्ज़ी से एक दो बैनर भी लगा सकते हो। अब हम देखते हैं अपने प्रोडक्ट्स को कैसे चेंज करना है, अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं ना ये डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, इनको हम अपने यहाँ से मॉडिफाई करने वाले हैं, ठीक है, बट इससे पहले हम वहाँ पर जाएँ, हम पहले दूसरी दो तीन चीज़ों को और देख लेते हैं, एक तो हो गया बैनर चेंज करना, दूसरा हो गया हमारा टेक्स्ट चेंज करना, हम सारे तो मैंने टेक्स्ट को चेंज करना है जिसको भी, तो मैं उस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे चेंजेस करने हैं वो यहाँ पे लिख दूंगा गंबा गंबला, ठीक है, वो यहाँ पे लाइव हो जाएगा सिंपल।
जी सर। चलें, गुड है। अच्छा जी, अब आखिर में रह जाती है कि भैया ये हमने हेडर को कैसे चेंज करना है, फुटर कैसे चेंज करना है, उसके बाद हम फिर प्रोडक्ट्स में चले जाएंगे। ये हम आ गए हेडर के ऊपर, ठीक है। ये हमारा अभी हेडर एडिट हो रहा है लेफ्ट साइड पे। हेडर में अगर आप देखें तो वो पूछे भैया कि कहाँ पे शो करना है। मैंने लिखा हुआ है डेस्कटॉप का लोगो मिडल लेफ्ट में शो होना चाहिए। अब मैं इसे कहता हूँ टॉप सेंटर, तो ये आप नोटिस करें माई स्टोर सेंटर में चला गया। मैं कहता हूँ भाई मिडल सेंटर, तो सेंटर में आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हो गया हमारा इन लोगों को कैसे चेंज करना है। फिर आ जाता है मेन्यू कौन सा लगाना है। अभी तो होम कैटलॉग कॉन्टैक्ट शो कर रहा है, तो मैं यहाँ से इसको चेंज करके मेन्यू बदल भी सकता हूँ। लेट से अगर मैंने कोई और मेन्यू बनाया हुआ है, या मैं इस मेन्यू की जगह फिर वो चीज़ चेंज कर सकता हूँ। आगे चलते हैं, आगे किस तरह कलर स्कीम रखनी है मेन्यू का। कलर स्कीम को अगर चेंज करना है, अभी ये वाइट ब्लैक है, अब मैं चाहता हूँ मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। अब इन चीज़ों को चेंज करते हैं। मिसाल के तौर पे ये होम कैटलॉग कॉन्टैक्ट के अलावा मैं एक और चीज़ इधर डालना चाहता हूँ, जिसका नाम होगा अल्लाह बला करे कॉफीज़। ठीक है, मैं मेन मेन्यू पे क्लिक किया ताकि मैं मेन्यू को एडिट कर सकूँ। अब वो मुझे उस जगह पे ले जाएगा जहाँ मैं मेन्यू में एडिटिंग कर सकता हूँ नेविगेशन के अंदर। अब यहाँ पे मैंने कोई चीज़ ऐड करनी है, मैं उस चीज़ को क्लिक करूँगा ऐड मेन्यू आइटम, उसका नाम लिखूँगा लेट से अबाउट अस, उधर लिंक डालूँगा अबाउट अस की, या जो भी मैंने लिंक डालनी है लेट से के ब्लॉग पोस्ट या बैक या खुद ही लिख देता हूँ www.sufidigital.com। ठीक है, नेम इसका मैं लगा देता हूँ आर पार्टनर या फाउंडर, या फाउंडर मैंने लिख के मैंने इसको ऐड किया, ये ऐड हो गया। अभी आप फाउंडर के नीचे एक मेन्यू आइटम आ गया है, मैंने इसको एडिट करना है, तो मैं इसको एडिट पे क्लिक किया। यहाँ तक क्या ओम को पता कर देते हैं अप्लाई चेंजेस, ये हमने मेन्यू चेंज कर दिया। मैं इसको सेव करूँगा, जब मैं इसको सेव करूँगा तो ये चेंजेस यहाँ इस मेन्यू में भी लाइव हो जाएंगे। यहाँ तक हम सब दोस्तों समझ में आई हमने क्या किया है। जी सर, जी यस सर। शाबाश शाबाश। अच्छा देखते हैं कि हमने जो कारस्तानिंग किया उसका क्या असर निकलता है। अच्छा चलो देखते हैं, इसको मैंने रिमूव किया। रिमूव करने के बाद मैं इसको दोबारा ऐड करता हूँ। सेलेक्ट मेन्यू, मेन मेन्यू सेलेक्ट, हाँ गुड हो गया। आप लोग जैसा कि नोटिस कर सकते हैं, आप फाउंडर यानी कि मैं आ गया हूँ इस मेन्यू में। ठीक है जी जी सर। बेहतरीन। मेन्यू हेडर चेंज करना आ गया हम दोस्तों को, कोई क्वेश्चन? नो सर, क्लियर है सर। बेहतरीन। नो सर। हमें ये क्या कहते हैं बैनर्स भी चेंज करने आ गए हैं। जी सर। अच्छा अब आ जाते हैं प्रोडक्ट्स कैसे भाई बदलने हैं, प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करने हैं, उस चीज़ को समझते हैं। तो इसको हम छोड़ के जाते हैं अपने मेन प्रोडक्ट वेबसाइट पे। जब हम अपनी मेन वेबसाइट के होम पेज पे आएंगे तो पहला काम हमें यही कहते हैं भैया प्रोडक्ट्स तो लगाओ वेबसाइट के अंदर, प्रोडक्ट तुम लगा ही नहीं रहे। तो इसके पास दो ऑप्शन है, एक तो ऑप्शन है इम्पोर्ट प्रोडक्ट्स का। अगर आपके पास पहले से प्रोडक्ट्स मौजूद हैं किसी वेबसाइट में, तो आप इसमें टेम्पलेट के जरिए इंपोर्ट करें, सारे प्रोडक्ट यूँ एक सेकंड में आ जाएंगे। अगर आप कहते हैं नहीं मैंने खुद से ऐड करना था, आप ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, वो आपको इस वाले सेक्शन में ले जाएगा प्रोडक्ट्स के सेक्शन में। चलिए हम इसको करके देखते हैं। ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक किया, वो मुझे प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में ले आया। अब यहाँ पर मैं अपनी मर्ज़ी से चीज़ें डाल सकता हूँ। ठीक है, लेट्स से कि प्रोडक्ट का टाइटल क्या रखना है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या रखनी है, उसकी कैटेगरी क्या होगी, उसका टाइप क्या होगा, उसका प्राइस क्या होगी, सब चीज़ें मैं यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ। पहले मैं देखता हूँ मेरे पास इमेज कौन सी है। ये मेरे पास चूज़ते हैं। ठीक है, लेट्स नेम देम ब्राउन लेदर शूज़। ये आ गया मैं प्रोडक्ट का नाम। अच्छा इसकी मैं आपको पावरफुल चीज़ दिखाऊं जो कि आम दूसरे स्टोर्स में नहीं होती है। अब मैंने पता चल गया मैंने किसके बारे में लिखना, मैं जेनेटेक्स पे लिखूँगा।
जाके मैं बताऊंगा भाईजान क्या क्या लिखना है। मैं कहूँगा कि ये है प्योर लेदर है और ग्रेट क्वालिटी है। टोन ऑफ वॉइस मैं कह दूंगा एक्सपर्ट, या मैंने अगर स्पोर्टिव करना है, फनी करना है, प्लेफुल करना है, वो चूज करता हूँ बट आई विल गो विद एक्सपर्ट। ओ मैं कहता हूँ कि राइट 500 वर्ड्स। जनरेट, अब वो मुझे 500 लफ्ज़ लिख के दे देगा 1 सेकंड में। अब मैं इसको कीप करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा। अब बताइए ये डिस्क्रिप्शन अगर सुनहरा और सुनाएगा जमा, अगर मैंने खुद लिखी होती तो मुझे कितना टाइम लगता? 20 मिनट्स ऑलमोस्ट। अब इसने वो में टाइम बचा दिया। इसका अगर मैंने 100 प्रोडक्ट्स भी ऐड करने हैं तो मैं विद इन अ फ्यू सेकेंड उसका सारा कंटेंट इससे लिखवा के आगे आगे चलता जा सकता हूँ। अच्छा अब सर ये AI बेस्ड काम करता है? जी AI बेस्ड, बिल्कुल बिल्कुल जनरेटिव AI यूज़ करता है ये। आप लोग नोटिस ओके करेंगे कि जब मैंने ऊपर ब्राउन लेदर शूज़ लिखा तो इसने अपने आप कैटेगरी भी चूज़ कर ली शूज़ वाली, हालांकि मैंने इसको नहीं बताया था। ऐसे ही है ना। जी सर। आगे चलते हैं। प्राइस प्राइस मैं देता हूँ भैया 4,500 रुपया। चार्ज टैक्स ऑन दिस प्रोडक्ट पे क्लिक होगा तो ये टैक्स जो आपके प्रोडक्ट पे वो भी चार्ज करेगा। मैं इसको रिमूव कर दूंगा तो टैक्स चार्ज नहीं होगा। आगे चलते हैं। ट्रैक क्वांटिटी, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 10 जूते हैं तो आप 10 जूते लिख दोगे, जब 10 सेल हो जाएंगे तो वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। यहाँ तो सब 10 दोस्तों समझ में आ रही है बात? जी सर। मिस यमन, मिस अनुषा भी फीडबैक दें। जी सर। यस सर, समझ आ रही है। थैंक यू। अच्छा आगे चलते हैं। ये एक फिजिकल प्रोडक्ट है, अगर आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे तो ये डिजिटल प्रोडक्ट काउंट होगा। ये हमारा SEO के लिए है। फॉर एग्जांपल हमारा टाइटल, हमारे URL, हमारी डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ से चेंज होगा। ये सब चीज़ें हमने जब चेंज कर लेंगे तो उसके बाद हम क्लिक करेंगे सेव के ऊपर। ये इसका स्टेटस एक्टिव है तो लाइव हो जाएगा। अगर हमने ड्राफ्ट पे रखा होता तो ये लाइव ना होता। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी को? नो सर। चले मुबारक हो, हमने अपना पहला प्रोडक्ट लगा दिया। अब अगर मैंने मज़ीद प्रोडक्ट्स लगाने हैं तो मैं यहाँ से डुप्लीकेट करके उसमें जल्दी से चेंजेस कर सकता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मैंने आदमी वाले जूते हो लगाने हैं तो मैंने डुप्लीकेट पर बटन दबाया, उसका मैं नाम रख देता हूँ ब्लैक लेदर शूज़ फॉर मैन। सेट इज एक्टिव, डुप्लीकेट प्रोडक्ट। अब इस तरह में 2 प्रोडक्ट लग गए हैं वेबसाइट के ऊपर। अपलोड इमेज में मैं कोई और इमेज लगा देता हूँ। अब चलते हैं, हम जाके देखते हैं हमारी दुकान कैसी लग रही है। ये हमारा स्टोर चेंज हो गया है। हमने जो प्रोडक्ट्स लगाए थे ब्लैक और ब्राउन दोनों शूज़ इधर शो होने लग गए हैं। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? नो सर। इस तरह करके आप तमाम अपने प्रोडक्ट्स अपने स्टोर को मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, नई चीज़ें ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। तो ये वेबसाइट बनाना बहुत इजी है शॉपिफाई की। बट अगर आप इसे सिंपल रखते हो, अगर आप इस पर कॉम्प्लिकेशंस लेके आना चाहो तो इससे आप और भी बहुत चीज़ें बना सकते हो। तो जी सर, ये वेबसाइट बना लेंगे आप सब दोस्त? इंशाल्लाह सर। शाबाश, यस सर। गुड।